अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गवर्नमेंट इनवाइट टेंडर फॉर फोर्थ जनरेशन 200 वंदे भारत एल्युमिनियम। तो नई ट्रेन का जो आगाज होने जा रहा है फोर्थ जनरेशन का इंडिया में, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉमेंट कर देंगे। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर आने वाली नई ट्रेन की रफ्तार को पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और रफ्तार बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर, मटेरियल, डिज़ाइन और ट्रैक्स को अपग्रेड किया जाएगा, और इसको लेकर के रेलवेज ने पूरी तैयारी कर ली है। तो ये बात करते हैं इन अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है इस साल के बजट से, जहाँ पर तैयार किया जाता है एक मैप, और इस मैप के अंदर 2024 से लेकर के 25 तक भारत में 400 नई वंदे भारत ट्रेन सेट्स की सूचना दी जाती है। और इसके बाद अप्रैल में एक टेंडर इन्वाइट किया जाता है, जहाँ पर 200 ट्रेन मैन्युफैक्चर करने के लिए दो ऑप्शन रखे जाते हैं। यहाँ पर कंपनीज को स्टील या फिर एल्यूमिनियम बॉडी पर इन ट्रेन को डिजाइन करना था, और फाइनली कंपनियां 200 ट्रेन सेट बनाने के लिए एल्युमिनियम बॉडी को डिसाइड करती हैं। और उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि इन नई ट्रेन्स को रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में तैयार किया जाएगा, और इन ट्रेन्स की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रखी जाएगी। और अब रिपोर्ट्स ये हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 10% टेस्टिंग स्पीड के साथ तैयार किया जाएगा, यानी कि आने वाली जो भी नए ट्रेन सेट्स हैं वो 200-210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ेंगी। और सरकार द्वारा इनवाइट की गई 200 ट्रेन सेट्स, जो कि फोर्थ जनरेशन की भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन्स की लिस्ट में शामिल होगी। इसके अलावा ये भारत की अपनी पहली तरह की हल्के वजन वाली ट्रेन होगी, जो काफी ज्यादा एनर्जी इफिशियंट होगी और पावर को सेव करेगी। और इसके अलावा इन ट्रेन की हल्की बॉडी होने की वजह से ट्रैक्स को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पुराने ट्रैक्स पर एक्चुअल स्पीड पर चल पाएंगी। इसके अलावा इस ट्रेन सेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, यानी कि आने वाली नई ट्रेन सेट्स की जो डिलीवरी है वो समय सीमा से पहले की जाएगी, और कोशिश की जा रही है कि 30-50 ट्रेन की डिलीवरी जल्द से जल्द कर दी जाए। इसके अलावा भारत की अलग अलग रेल कोच फैक्ट्रीज में इन ट्रेन सेट्स के पार्ट्स और ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जा चुका है। एक बार में 2-2, 3-3 ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू हो चुका है, और इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि आने वाली नई ट्रेन सेट्स की रफ्तार पहले की तुलना में काफी ज्यादा तेज रहेगी। आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत की ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और इंडिया में तो भाई ट्रेनों का गढ़ है, जिस तरह तकरीबन हर दिन 23 मिलियन लोग जो हैं ट्रेन के ऊपर सफ़र करते हैं। अब ये सस्ता ज़रिया भी है कि सस्ता पड़ जाता है और टाइम की काफ़ी बचत है, ख़ास करके जो मुंबई है ना, वहाँ पे लोकल ट्रेन मुंबई की, वहाँ पे जो लोकल ट्रेन है उसमें चढ़ना भी बड़ी हिम्मत की बात होती है। इतना ज्यादा रश तो जो जाते हैं ना ऑफिस में, मैं कहता हूँ वो भी 2-2 सूट लेकर जाते हैं कि चढ़ते वक्त तो उनकी स्त्री जो है वो खराब हो जाती है। और ये तो कमाल हो जाएगा ना, कोई हवा से बातें करेगी ट्रेन 200 किलोमीटर से लेकर 210 इलेक्ट्रिक हाँ इलेक्ट्रिक होगा, और इसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होगा। एल्युमिनियम क्योंकि हल्की धात होती है लोहे की निस्बत, तो साफ जहर है जब वजन कम होगा तो जो पुराने ट्रैक है वो भी काम आ जाएंगे। एक स्पीड ज्यादा हो, ऊपर से ट्रेन का वजन ज्यादा हो, तो वो पुराने ट्रैक हो सकता है सही काम ना दे पाते, लेकिन वो हल्का होने की वजह से वो भी काम आ जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा तारक भाई, वो देख रहे थे जो पायदान होता है इसके पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं, वो मतलब सब अंदर बैर हो रहा था। हाँ, भाई कमाल चीज़ है, हर चीज़ कमाल। ये ट्रेन मजे की बात ये जो ट्रेन दिखाई गई वो खूबसूरत इतनी थी। हाँ, लग्जरी वो फील आता है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जो थे वो उद्घाटन करने के लिए आए थे और अच्छा लग रहा था भाई, उधर पुराने ट्रैक्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इधर तो भाई साहब लोगों ने वो ट्रैक को उखाड़ कर खा भी गए हैं और जमीन पर भी काबज हैं। जो जमीन है ना रेलवे की, उस पर भाई इधर आबादियां कितनी बनाई जा चुकी हैं।
ट्रेन चलती तो है नहीं इधर इतनी, तो फिर क्या फायदा, वो एक आधी गुजरते ही 6 महीने बाद किसी के फायदे में आ जाए। हमारे इस रेलवे के महकमे ने पता है कितनी मुश्किल आम दूसरे लोगों के लिए खड़ी करके रखी है। इसके जो वर्कर थे ना पता नहीं कब के वो मर चुके हैं, और तनख्वाहें आज भी लोग गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो अब जाके उनकी पूछताछ हुई है और बायोमेट्रिक सिस्टम, अब बायोमेट्रिक होगी तो ही निकलेंगे, और हर महकमे की होगी। अब कई बापों की जो पेंशन लेने जाते हैं वो बायोमेट्रिक ठीक नहीं होती, उनको भी कहते हैं भाई चलो अभी ये सिस्टम है ही सही, बायोमेट्रिक वो होता है अपग्रेड किया गया ना भैया, बंदा मर जाता था और उसके जो औलाद होती थी या उसके रिश्तेदार तो ये तनख्वाह लेते रहते थे। खुद तो महकमा है पाकिस्तान में रेलवे का, रेलवे का और गैस का महकमा भी ऐसा ही है। अच्छा, वो रीडिंग करने आता है बंदा, वो अपने अंदाजे से ही वो गैस का बिल देंगे। हमारे रिश्तेदार है उसका जी 28,000 बिल आ गया गैस का, हमारा आया 300 बिल, उसका आ गया 28,000, और उसने वो बिल पे कर दिया। मैंने 3-4 महीने बिल ही नहीं पे किया, वो इसलिए मुझे पहली दफा ज्यादा बिल आ गया, मुझे 1500 बिल आया गैस का भी। मैंने कहा ये गैस का बिल इतना आता नहीं, 200-300 सुना है, वो मैंने पे नहीं किया। अब अगली बार बिल आया तो वो कम था, वो 2 महीने का कम खुद से ही, और अंदाजा लगाया 3 महीने का कट्टा बिल था वो दिया था 800 के 900 रुपया था। अब लेकिन अब जो है 1 महीने का भाई 1200 रुपया, उन्होंने अंदाजा लगा के भी इस मरतबा लॉस होगा और लॉस को पूरा करने के लिए सभी कितना, मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना मतलब कटे सटा लगा देते हैं। अच्छा तारक भाई एक और सवाल है, जिस तरह के बाहर वाले कंट्री के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, क्या इंडिया के अंदर भी है इस तरह की कोई ट्रेनिंग? अंडरग्राउंड तो नहीं, वो अंडर पास अगर होता तो वहाँ से गुजर जाती है, उधर अंडरग्राउंड भी है। नहीं नहीं इधर नहीं नहीं, वो बाहर के कंट्री में होते हैं, अगर कोई पहाड़ी इलाका हो तो वहाँ से अगर वो टनल आ जाए तो उसमें से गुजर जाती है। लेकिन एक है जहाँ पे नदी में से अंदर से ही ट्रेन गुजरेगी, तो मैंने देखा था एक वीडियो में। जो बॉर्डर के पास है ना इलाके, वहाँ पर बनने जा रहा टनल और वो काफी लंबा भी है। अच्छा, और वहाँ पे बॉर्डर के नजदीक है तो साथ आर्मी के जो हथियार है वो भी ले जाने पड़ते हैं, जो गाड़ियाँ होती है तो आसानी होगी। बर्फ ऊपर से तो बर्फबारी होती है, वो नीचे से कोई बर्फबारी तो हो नहीं, आसानी से गुजर सकते हैं। अच्छा तारक भाई, जितनी ज्यादा जो महंगी बना रहे गाड़ियां लग्जरी बना रहे हैं, इतने इस हिसाब से इनके जो हो गए क्या किराए या फिर हां स्टेशन पर होता है तरक्की कर रहा है उनके रेलवे स्टेशन देखे भाई साहब, जिस तरह हमारा एयरपोर्ट है वैसे रेलवे स्टेशन है। ऐसा है भाई, जब कोई कंट्री तरक्की कर रहा तो साफ जा रहे वो अपनी आवाम को सहूलतें दे देता है, बिल्कुल, और अच्छा लगता है देखे। मुल्क तब तरक्की करता जब जितनी तेजी से सही बात। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।